गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक दैट इज वेट फ्रॉम चैप्टर 5 मेट्रिक मेजर्स. चिल्ड्रन, ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट लेंथ एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट वेट. आज हम किसके बारे में सीखेंगे? वेट के बारे में सीखेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. ऑन पेज नंबर 124, वेट. Some foods such as fruits, vegetables and rice are measured using a simple balance and weights. अब चिल्ड्रन, अगर हम मार्केट से कोई भी फ्रूट्स लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स लेते हैं, या राइस लेते हैं, शुगर लेते हैं, तो हम कैसे उसको वेट उसका मेजर करते हैं, कैसे हम बैलेंस करते हैं? तो आप देखते हो ना कि भैया उसका वेट करते हैं कि मैम, अगर हमने वो कोई फ्रूट लिया है तो हमें 1 kg लेना है, 2 kg लेना है, 3 kg लेना है, तो हम वो कैसे लेते हैं? हम अकॉर्डिंग टू वेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, राइसेस, जो भी चीज़ें हैं वो हम वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं. सपोज़ इफ़ आई शो यू कि मैम के पास एक ये नोट पैड है, ठीक है. अब अगर मैम आपसे कहें कि इसका जो वेट है वो किस में होगा, केजी में होगा, ग्राम में होगा, ओके, यानी कि अगर इफ़ वी आर कंपेयरिंग दिस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्वीट बॉक्स, तो अगर मैम आपसे पूछें कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है और कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, तो आप क्या बताएंगे कि मैम दिस स्वीट बॉक्स इज हैवियर क्योंकि इसमें 1 kg स्वीट है. ओके, एंड चिल्ड्रन दिस नोट पैड का जो वेट है वो क्या होगा, ग्राम्स में होगा. तो चिल्ड्रन वेट जो होता है वो किसी भी चीज़ का वजन होता है. अब लाइक मैम ने ऐसे इसको होल्ड किया हुआ है ना, इट मींस कि मैम को ये पता चल रहा है कि ये कितनी भारी है और ये कितनी हल्की है. ओके, सो बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक वी शुड नो अबाउट वेट. हमें पहले वेट के बारे में पता होना चाहिए कि वेट होता क्या है. वेट यानी कि किसी भी चीज़ का हमें वज़न पता होना चाहिए कि वो कितनी भारी है और वो कितनी हल्की है. ओके, सो इसी तरीके से मैम ने आपको बताया कि जब हम मार्केट से कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, ऐसी कोई भी चीज़ें हम लेते हैं तो हम उनको बैलेंस कर कर उनका वेट करवा कर लेते हैं, है ना. नेक्स्ट, यूजिंग सिंपल बैलेंस वी कैन एस्टिमेट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कंपैरिजन विद अदर्स. जब कोई सिंपल बैलेंस होता है तो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से. ओके, एंड व्हेन देयर इज इक्वल वेट ऑन बोथ पैन्स द स्केल डज नॉट टिल्ट. व्हेन देयर इज अनइक्वल वेट ऑन बोथ पैन्स द स्केल टिल्ट्स टुवर्ड्स द पैन विद द हेवियर ऑब्जेक्ट्स एज शोन बिलो. एंड चिल्ड्रन दीज आर टू पिक्चर्स विच इज इन योर बुक. फर्स्ट वी विल सी फर्स्ट पिक्चर, सिंपल बैलेंस. अब सिंपल बैलेंस में चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि इसमें एक तरफ मैंगो है, एक तरफ आपके पोटैटोज हैं. तो इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ जो पैन्स हैं, दोनों तरफ के पैन्स में इक्वल बैलेंस हो गया. सो दैट इज़ वाई जो आपका ये पैन है वो एक तरफ टिल्ट नहीं हुआ. ओके, और अगर हम दूसरा वाला विंग स्केल देखेंगे तो उसमें क्या है, एक तरफ पाइनएप्पल है और एक तरफ एक ही एप्पल है. अब एक ही एप्पल का वेट तो आपको पता है ग्राम्स में होगा, एंड एक ही पाइनएप्पल अगर है दैट इज़ केजी में होगा. सो चिल्ड्रन जिधर ऑब्जेक्ट हैवी होगा तो आपका जो स्केल है ये पैन उसी तरफ टिल्ट हो जाएगा, वो झुक जाएगा. जिस तरफ वज़न ज़्यादा होगा उस तरफ पैन झुक जाएगा. ओके, नाउ चिल्ड्रन We will read about kilogram and gram. Now, ma'am will explain you कि what is kilogram and gram. कि kilogram क्या होता है और gram क्या होता है. The standard unit of weight is kilogram. One thing you must remember, जो standard unit होती है weight की that is kilogram. क्या होती है, kilogram. Okay? And children, we can measure the weight of an object using a weighing scale or weighing machine. अब चिल्ड्रन इस मशीन को हम वेइंग स्केल बोलते हैं, ठीक है. वेट यानी कि वेइंग स्केल, और इस मशीन को हम बोलते हैं अ वेइंग मशीन इज यूज्ड टू मेजर हैवी वेट्स. अब कोई ऐसा वेट है, सपोज अगर कोई आटे की बोरी है, चावल की बोरी है, चीनी की बोरी है, बहुत हैवी वेट है, तो उसको हम इन मशीन्स के ऊपर रखते हैं,
ठीक है। और अगर कोई यूजुअली छोटा सा वर्क है, लाइक जैसे अगर छोटा सा, अगर आपको थोड़ा सा फ्रूट मेजर करना है, वेजिटेबल्स हैं, तो वो हम वेइंग स्केल से भी कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, अ ग्राम इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वेट, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग चिल्ड्रन, के किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट होती है और किलोग्राम जो होती है वो लार्ज यूनिट होती है। ओके, और ग्राम जो होती है वो स्मॉल यूनिट होती है। सो चिल्ड्रन, अ ग्राम इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ वेट विच इज यूज टू वे लाइटर ऑब्जेक्ट्स, इट इज रिटन एज जी। अब आपको क्या बताया गया है कि जो ग्राम है वो एक स्मॉल यूनिट है एंड विच इज यूज टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स। और ग्राम हम किस लिए यूज करते हैं, जब हमें लाइटर ऑब्जेक्ट्स का वेट करना हो, ठीक है, वो तो निकलेगा ग्राम्स में ही। ओके, और ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज रिटन एज जी। अब ग्राम में आपकी स्पेलिंग क्या शो हो रही है, जी आर ए एम, तो हम इतनी बड़ी स्पेलिंग ना लिखकर वी सिंपली रिटन एज जी। एंड चिल्ड्रन, अ किलोग्राम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ वेट एंड इट इज रिटन एज के जी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ थिंग्स, के जी एंड जी। एंड चिल्ड्रन, 1000 grams, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 grams, अब 1000 grams में कितने किलोग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम होते हैं, बिकॉज इन बिटवीन कौन सा साइन है, इक्वल टू का साइन है। ओके चिल्ड्रन, सो 1000 grams किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम के। और इसी तरीके से चिल्ड्रन, 1000 g, दैट मीन्स 1000 gram इज इक्वल टू 1 kg। तो बोथ आर हैविंग अ सेम थिंग्स, बट इन दिस स्टेटमेंट दे आर यूजिंग शॉर्ट यूनिट्स। ओके, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म को यूज़ किया है यूनिट के अंदर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर सम कॉमन वेट्स आर यूज टू वे ऑब्जेक्ट्स ऑन अ वेइंग स्केल। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हमें वेट करना है, सपोज 50 ग्राम का वेट करना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, तो ये सब आपके ग्राम्स में वेट होंगे, ठीक है। सपोज आपने पैन में एक तरफ, ये जो पैन मैम ने आपको शो करा था, आपने एक तरफ वेजिटेबल रख दी, दूसरी तरफ आपने वेट रख दिया, तो आप उसको 500 ग्राम की, अगर आपको सपोज 500 ग्राम में कोई वेजिटेबल लेनी है, तो आपने एक तरफ 500 ग्राम का वेट कर दिया, दूसरी तरफ आपने वेजिटेबल्स रख दी, तो वो जब इक्वल आ जाएंगे लाइक दिस पैन, तो वो क्या होगा कि अब जितना वेट है उतनी ही वेजिटेबल शॉपकीपर ने हमें दी है। ओके चिल्ड्रन, इसी तरह से 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, इसी तरीके से ये kg के वेट्स हैं, ऐसे ही ये ग्राम्स के वेट हैं। ओके नाउ चिल्ड्रन, व्हाट कुड बी द वेट ऑफ योर स्कूल बैग, 5 kg और 1 kg, आपके स्कूल बैग का क्या वेट होगा चिल्ड्रन, 5 kg होगा और 1 kg होगा। इसी तरह से व्हाट कुड बी द वेट ऑफ 7 apples, 5 kg और 1 kg, अब जो 7 apples होंगे तो राउंड अबाउट उनका वेट कितना होगा, उनका वेट 1 kg के अराउंड होगा, ना कि 5 kg, 5 kg में तो बहुत सारे एप्पल्स आ जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, एंड दिस इज आर 2 questions, योर वेट विल बी मेजर्ड इन, अब सपोज अगर हमें अपना वेट करना है कि मेरा वेट कितना है, मेरा वजन कितना है, तो मेरा जो वेट होगा वो किस में होगा, ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल यूनिट्स के लिए वी यूज ग्राम, एंड इफ वी आर मेजरिंग हैवियर यूनिट्स देन वी यूज किलोग्राम। ओके, तो अब हमारा वेट ग्राम में तो नहीं हो सकता, हमारा वेट तो केजी में होगा, तो हम केजी की यूनिट यूज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन, द वेट ऑफ अ पेंसिल विल बी मेजर्ड इन डैश, अब हमारी ये जो पेंसिल है, सपोज हम मैम के हाथ में ये पेंसिल है, तो ये बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट है, बहुत लाइट है, तो इसका वेट किस में होगा, ग्राम में या केजी में, यस इसका वेट होगा ग्राम में। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन वी आर ऑन 126 पेज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2। इन दिस क्वेश्चन वट वी हैव टू डू, आर दीज ऑब्जेक्ट्स लाइट और हैवी, सर्कल द यूनिट दैट शुड बी यूज, मेजर द वेट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट। हमारे आगे कुछ ये यूनिट्स दी गई हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है कि किस ऑब्जेक्ट को हम किस वेट में मेजर करेंगे, हमें उसके ऊपर टिक करना है। तो बाइसिकल का वेट ग्राम और किलोग्राम, तो एज यू हैव सीन इन योर बुक, मैम ने केजी पर टिक किया है, बिकॉज बाइसिकल का वेट हम केजी में करेंगे। बार ऑफ अ चॉकलेट, चॉकलेट बहुत लाइट होती है, सो वी टिक ऑन ग्राम। इसी तरीके से मोटरसाइकिल, टिक ऑन केजी,
ओके चिल्ड्रन, बिकॉज मोटरसाइकिल हैवी होती है ना, ऐसे ही एक एप्पल, अब एक एप्पल का वेट तो ग्राम में मेजर होगा, ओके ऐसे ही स्कूल वैन, तो वी विल मेजर स्कूल वैन वेट ऑन केजी एंड पेपर क्लिप. पेपर क्लिप बहुत हल्की सी होती है, बहुत छोटी सी होती है, सो वी हैव टू टेक ऑन ग्राम. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. सो चिल्ड्रन यू हैव टू रीड योर सेल्फ एट होम. ओके बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.